तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी जोन कुलदीप सिंह में। हाँ जी, तो स्टडी न्यूज़ में हम लोग बात कर रहे होंगे आज दो टॉपिक्स के बारे में। ये वीडियो पूरी तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहला पार्ट जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कोटा की न्यूज़ के बारे में, और उसके बाद हम लोग बात कर रहे होंगे कि क्या बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, और होंगे तो कैसे होंगे, और क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है यार, तो बने रहना पूरी वीडियो मेरे साथ, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको कोटा की एक जानकारी दे दूं। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि अब हर एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन होगा, ताकि गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो कि भाई कितने बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, कितने पढ़ रहे हैं, और क्या क्या उनका एज ग्रुप है, कहाँ से वो हैं, ताकि गवर्नमेंट को आगे चल के कोरोना के चलते कोई एक्शन लेना पड़े, कुछ काम हो तो गवर्नमेंट आसानी से कर सके। और इसमें आपके कोचिंग वाले जो होंगे वो भी आपके साथ पूरा आपकी मदद करेंगे, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात है ही नहीं। ठीक है यार, बढ़ता हूँ कोटा की दूसरी न्यूज़ के ऊपर। तो ये न्यूज़ कई बच्चों के लिए अच्छी हो सकती है और कईयों के लिए बुरी भी हो सकती है कि जो सर्वोत्तम की जो टीम है, मतलब वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, एचओडीज वगैरह, वो लोग चले गए हैं मोशन के अंदर। तो मोशन वाले बच्चे हैं उनके लिए शायद ये न्यूज़ अच्छी हो, लेकिन सर्वोत्तम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्योंकि यार, अगर किसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ही किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं तो उस इंस्टीट्यूट में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। जैसे कि एक टाइम में हुआ था, रेजोनेंस के जो एचओडीज थे वो सब चले गए थे, रिलायबल उन्होंने खोल लिया था, तो रेजोनेंस को भी काफ़ी सारी दिक्कतें देखने की मिली थी। ऐसे ही हो सकता है आप सर्वोत्तम भी कई सारी दिक्कतों को सफ़र कर रहा हो। अगर आप सर्वोत्तम में पढ़ रहे हैं या मोशन में पढ़ रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार, है ना, कि क्या वहाँ पर हालात हैं और क्या हो रहा है। ठीक है यार, तो बढ़ते हैं हम तीसरी और सबसे मेन न्यूज़ की तरफ, जिसका आपको इंतज़ार था कि यार क्या बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल होने वाले हैं। तो आपको ट्विटर के हिसाब से बता दूं तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के कैंसिल हो जाएं, कैंसिल कराओ, नहीं दे सकते। कई लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन मीडियम से कराएं। तो यार, मैंने इस चीज़ पर डीपली देखा और समझा, जितना मेरे को समझाया मैं आपको बता सकता हूँ कि सबसे पहले यार एक चीज़ देखो कि अभी हमारे पीएम ने परीक्षा पे चर्चा में कई चीज़ें बताई कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, कि एग्ज़ाम में ये करना है, इस तरीके से करना है। भले ही केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पीएम ने हमारे ये परीक्षा पे चर्चा के अंदर बताया है, तो इसमें उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं करा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं या फिर कैंसिल होंगे। और बात कर लूँ आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम की, तो हमारी अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि हम लोग फेयर एग्ज़ाम करा सकें ऑनलाइन। इवन कई जगह ऑनलाइन पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि यार हम ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे होते हैं जब एग्ज़ाम्स की बात कर रहे होते हैं बोर्ड के, तो ऑल ओवर इंडिया में कई जगह पॉसिबल नहीं है कि हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को करा सकें। ठीक है यार, लेकिन बात कर लेते हैं अगर कैंसिलेशन की, तो कैंसिल तो बिल्कुल नहीं होने वाले, क्योंकि यार हमारे पीएम ने कहीं से भी नहीं बोला कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या पोस्टपोन होंगे। तो अगर आप लोगों को ऐसी न्यूज़ देखने को मिल रही है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं या फिर पोस्टपोन हो गए हैं, या फिर आप लोग दिमाग में इस चीज़ को डाल के बैठे हैं कि भाई कोविड के केस तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एग्ज़ाम तो कैंसिल हो सकते हैं, पोस्टपोन हो सकते हैं, तो यार बिल्कुल भी इन चीज़ों को मत सोचो। ये चीज़ें केवल आपको डाइवर्ट करने के लिए हैं। मैं भी आपसे कह सकता था कि चलो भाई मेरे साथ ट्विटर पर और करते हैं #कोरोन, लेकिन यार इन सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग घर में हैं और ये हार्ड टाइम है, आपके लिए भी हार्ड है, मेरे लिए भी हार्ड है, और सभी के लिए हार्ड है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक वॉरियर की तरह लड़ेंगे और इस टाइम से बाहर निकलेंगे, है ना यार। तो एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर करो, और अभी आपके पास जितना भी टाइम है यार उसमें पूरा अपना 100% फोड़ो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने बता रखा है कैसे फोकस करें और कैसे कैसे हम बहुत अच्छे मार्क्स कम टाइम में कवर कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इन वीडियोस को देखो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। ये वीडियो यहीं तक थी, अगर वीडियो पसंद आई यार तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ठीक है यार, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।